गणेशोत्सव के दौरान मुंबई के कई बड़े पंडालों पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इनमें से ही एक पंडाल है गॉड सारस्वत ब्राह्मण सेवा मंडल। इस गणेश पंडाल को मुंबई का सबसे अमीर पंडाल कहा जाता है। यहाँ हर साल गणेश उत्सव पर बप्पा के प्रतिमा की भव्य सजावट होती है। इस साल पिछले साल से भी ज्यादा सोने और चांदी के जेवरों से बप्पा को सजाया गया है। 36 किलो चांदी और 250 ग्राम सोने का पेंडेंट चढ़ाया गया है। इस दौरान जीएसवी सेवा मंडल के उपाध्यक्ष रघुविंदर जी भट्ट ने बप्पा की कुल आभूषणों के बारे में बात की। इस साल हमारे गणपति बप्पा को 36 किलो चांदी और 250 ग्राम का सोने का पेंडेंट आया हुआ है, एक अधिक है। और यहाँ पे हम लोग दूसरे दिन भगवान अयोध्या के रामलला के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए विघ्न नहीं आना चाहिए, इसीलिए हमारे पूरे समाज के तरफ से हम लोग बड़ा एक गण होम करने वाले हैं 20 तारीख को सवेरे। ऐसे 19 तारीख कल गणपति गणपति पप्पा के चतुर्थी के दिन हमारे देशों का इसरो के साइंटिस्टों का चंद्रयान के सक्सेस पर हमें हमारे गणपति पप्पा से हमने प्रार्थना की थी इसका सक्सेस होना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग पहले दिन एक गण होम करने वाले हैं। 250 ग्राम का पेंडेंट इस बार बड़ा है, चांदी बड़ी है, लेकिन कुल मिला के कितने आभूषण होंगे, सबको आकर्षण रहता है मुंबई के सबसे धनवान में बप्पा के। 69 केजी गोल्ड है, 300 किलो चांदी है भगवान के पास, ये 36 किलो पकड़ेगा तो 336 किलो हो जाएगा। हर साल इस पंडाल का बीमा भी कराया जाता है। इस बार जेएसबी सेवा मंडल ने कितने का बीमा करवाया है ये भी सुनिए। इस साल हमने कुल मिलाकर 360 कोटि 45 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसमें 290 करोड़ हमारे भाविकों के लिए है, हमारे यहाँ पुजारी है, यहाँ जो भक्तजन आते हैं उनके लिए हमने 290 करोड़ का इंश्योरेंस है, गहनों का ज्वेलरी का इंश्योरेंस 39 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है, पब्लिक लाइबिलिटी के लिए 20 करोड़ का लिया हुआ है, कुल मिलाकर 360 कोटि 45 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है। गया साल हमने 315 करोड़ की ली थी, इस साल 360 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है। यहाँ भक्त हर साल इस पंडाल में आकर गणपति बप्पा के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। मैं पूरे घर के लिए स्वास्थ्य सुख समृद्धि और स्वास्थ्य मांगती हूँ, और बहुत बचपन से मैं ये भगवान के दर्शन करने आती हूँ, फिर बच्चे हुए तो बच्चों के साथ पूरे परिवार के साथ यहाँ आती हूँ, और यहाँ आके मन में शांति मिलती है और उनको देख के सब जो इच्छा रहती है वो पूर्ण होती है, इसके लिए हर साल आती हूँ। आप जो बोल रहे हैं कि ये जो दागिने, लेकिन ये उनकी शोभा है, इनसे ही उनका रूप इतना निखरता है कि एक बार आंखें बंद करके भी उनको देखो तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान बैठे हैं। जीएसबी सेवा मंडल काफ़ी टाइम से हम आ रहे इधर, और हम इनके जो फॉलोअर गुरु भगवान जो है, हम मंजेश्वर मैंगलोर अनंतेश्वर से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो जीएसबी मंडल से कुछ अच्छा हमारा है तो हम आते ही है, दर्शन करते हैं, और हमारी आज तक जो भी मन में इच्छा रखते हैं हो जाती है, एक श्रद्धा एक हो गई है कि नहीं हर साल एक बार पहले 10 मिनट के लिए भी आए मगर आना है दर्शन करने। बस सबका स्वस्थ अच्छा रहे, सब कुशल मंगल रहे और एकता बना के रखे। बता दें कि जीएसबी सेवा मंडल गणपति को मुंबई का सबसे अमीर मंडल माना जाता है। वडाला में मौजूद यही एकमात्र ऐसा पंडाल है जहां 24 घंटे अनुष्ठान चलता है। हर साल यहां भगवान गणेश की मूर्ति को सोने और चांदी के आभूषणों से सजाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।